श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में 18 मजदूर गंगानगर से पैदल चलकर अनूपगढ़ पहुंचे। मजदूरों ने बताया कि 3 दिन से पैदल चल रहे हैं, पैसे के अभाव में 3 दिन से खाना तक नहीं खाया। समाज सेवी संस्था की ओर से मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था करवाई गई। वहीं समाज सेविका इंद्रजीत कौर ने सभी मजदूरों को गर्म कंबल दिए, जिससे मजदूर सड़क पर ही सो गए। हम सुशील कुमार हैं, मैं यूपी का रहने वाला हूं और सर मैं 2 दिन से चला हूं गंगानगर से और बांडा कॉलोनी में भी रुका था। वहां से भी मैंने सोचा तो फिर कुछ वहां रोक फेर हुआ, फिर मुझे यहां अनूपगढ़ आए तो यहां कुछ प्रशासन द्वारा व्यवस्था हुई। वहां वो बोले कि चलो वहां बस अड्डे पे चलो, कल हो सकती है बस चलेगी। और हाँ, यहाँ बुलाकर कंबल वंबल की व्यवस्था किए, खाने पीने भी खिलाए और बोल रहे हैं कि आज रुको, आज बस चल जाएगी, आज को अब तक हम देखेंगे कि आज ये बस चल जाएगी, नहीं तो सर हम लोग ही पैदल ही जाएंगे, क्योंकि सर कब तक ऐसे चलेगा। सर हम यही कहना चाहते हैं कि हमें हमारे घर पहुंचा दिया जाए। सर